फ्रेंच कार मेकर सिट्रोन की आप ये C3 एयर क्रॉस SUV देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में फाइनली सिट्रोन ने अपनी एंट्री कर दी है। ये गाड़ी राइवल करेगी क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कोसैक एंड टाइगुन से, यानी कि हर एक कंपनी की गाड़ी आप इसको इस सेगमेंट में मिल जाएगी। अब ऐसा क्या खास सिट्रोन ने इस गाड़ी में दिया है और क्यों ये गाड़ी इनको कम्पीट कर सकती है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या क्या फीचर्स आते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको वेरियंट्स की डिटेल दे दूँ तो 3 वेरियंट अभी के लिए यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। नाम रखा गया है यू प्लस एंड मैक्स। आप ये देख रहे हैं ये टॉप एंड वेरियंट है मैक्स और ये वाइप पैक के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। वाइप पैक यहाँ पर ऑप्शनल होगा, ठीक है। 2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में ये गाड़ी आती है। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सीटर मिलती है, लेकिन अगर आप मैक्स या प्लस लेते हैं तो आप 7 सीटर भी चूज कर सकते हो। सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी है जो आपको 7 सीटर में भी मिल जाएगी। सीटें मैं आपको दिखाऊंगा कितनी का कंफर्टेबल है, उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। अब बात आती है प्राइस की, क्योंकि इस सेगमेंट में जिसने बढ़िया प्राइस दे दिया वही गाड़ी जो है वही विन कर जाएगी। तो प्राइस सिट्रोन ने काफ़ी अच्छा रखा गया है। जहाँ दूसरी SUV आपकी 11 लाख से स्टार्ट होती है, सिट्रोन ने इसका प्राइस रखा है 10 लाख रुपए बेस वेरिएंट का। अभी टॉप एंड वेरिएंट के प्राइस अपने पास नहीं आए, अभी लॉन्च नहीं किए, तो जब आएंगे तो हम डाल देंगे वीडियो में, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए टॉप मॉडल हम आपको दिखाएंगे क्या क्या फीचर्स जो है ये ऑफर करता है। तो चलिए चाबी से स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ ऐसी की मिलती है, कोई भी पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो आपको नहीं मिलता, यानी कि गाड़ी का प्राइस जो है वो सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया है। सेगमेंट की गाड़ी है वो 22 लाख तक जो है वो जा रही है। यहाँ पे लॉक अनलॉक के 2 बटन आपको मिलते हैं। गाड़ी को लॉक करते हो तो कुछ आपके ऐसे इंडिकेटर चलते हैं, और अनलॉक करते हो तो आपके इंडिकेटर कुछ ऐसे ब्लिंक करते हैं। कोई भी साउंड जो है वो गाड़ी नहीं करती। जो हेडलैम्प है वो आपके हेलोजन बेस्ड दिए गए हैं, हेलोजन बेस्ड जो है वो आपके इंडिकेटर से और आपके DRLs दिए गए हैं। नीचे फोग लैंप का ऑप्शन आपको वाइप पैक के साथ मिलता है, ये भी आपके हेलोजन बेस्ड ही होने वाले। गाड़ी के डिजाइन लैंग्वेज की बात करें, गाड़ी के साइज की बात करें, तो काफ़ी अच्छी जो है वो गाड़ी दिख रही है। स्पेशली जो ग्रिल है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। साइज का बात करें ना तो सामने से जो है वो आपको थोड़ी सी लग सकती है छोटी, लेकिन जब आप साइड पे जाओगे तो आपको प्रॉपर एक क्रेटा राइवल SUV वाली फील जो है ये यहाँ पे देगी। ग्रिल आप देख सकते हो, सिट्रोन का वही जो डिज़ाइन चलता आ रहा है वही है, लोगो जो है उसके साथ इंटीग्रेटेड यहाँ पे 2 स्लेट्स किए गए हैं। बढ़िया लग रही है, ग्लोसी ब्लैक कलर में ग्रिल है, व्हाइट कलर पे ज़्यादा बढ़िया लग रही है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो 4 आपको सिंगल टोन, 6 आपको मोनोटोन कलर ऑप्शन यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, और बड़े बड़े आपको एयर इनटेक के स्पेस यहाँ पे दिख जाएंगे। साइज जो है वो गाड़ी का, मतलब पूरा डायमेंशंस जो है वो आपकी स्क्रीन पे, जब आप इसको साइड से देखोगे तो नो डाउट आपको सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां मिलती है सबसे लंबी आपको ये देखने में लगेगी, ठीक है। हाइट की अगर बात करें तो हाइट अगर आप 7 सीटर लेते हो तो थोड़ी सी आपको बड़ी मिलेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस, और 5 सीटर में आपको थोड़ी सी हाइट छोटी मिलेगी। रूफ रेल्स वगैरह का काफ़ी बढ़िया यूज किया गया, एकदम ऐसे इंटीग्रेट करके दी गई है, तो गाड़ी ऊँची भी आपको फील होगी, ठीक है। अलॉय की बात करते हैं, 17 इंच के अलॉय हैं, कुछ ऐसा डिज़ाइन है, डिज़ाइन अच्छा है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। ड्यूल टोन में है, सामने डिस्क मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम मिलते हैं। 215/60 का यहाँ पे टायर साइज दिया है, टायर साइज भी काफ़ी बढ़िया है। C8 के टायर फिलहाल के लिए लगे हैं। ORMs अपने को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाले फीचर के साथ मिल जाते हैं। 10 इंडिकेटर अपने को हेलोजन ही मिलते हैं। गाड़ी में जितनी भी लाइटें हैं आपको सारी की सारी हेलोजन ही यूज़ की गई। तो कॉस्ट का थोड़ा ध्यान रखा है सिट्रोन ने, गाड़ी का प्राइस कम आएगा तो ही जो है कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे। चलिए नीचे अपने को पूरी बढ़िया यहाँ पे जो साइड क्लैडिंग्स है वो दी गई है पूरी गाड़ी के सराउंडिंग्स में। पीछे की डिजाइन अगर आप देखोगे तो पीछे से गाड़ी काफी ज्यादा चौड़ी एक फील होती है, काफी बढ़िया स्टांस है। जितने भी लाइट वगैरह के सेटअप दिए हैं, जो ये एलिमेंट दिए हैं, ये गाड़ी को और भी ज्यादा अपीलिंग जो है वो लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्यूल टोन में अभी ये खड़ी है व्हाइट और ब्लैक के, मैंने आपको बताया 6 कलर आप ऑप्शन चूज कर सकते हो ड्यूल टोन में। एक वो आप देख रहे हो 5 सीटर है, उसमें आप ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन देख सकते हो। व्हाइट और ब्लैक के साथ मेरे को ज्यादा बढ़िया यहाँ पे लग रही है। C3 एयरक्रॉस की आपको बैजिंग दी जाती है, सिट्रोन की ब्रांडिंग है। प्योर टेक 1.2 लीटर का आपको पेट्रोल टर्बो यहाँ पे मिलता है, उसकी बात करेंगे आगे चल के। कैमरा आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इसकी क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे। ये मैं आपको 7 सीटर वेरिएंट जो है वो दिखा रहा हूँ। इन सीटों को आप फोल्ड करके अपनी बूट की कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। 500 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस आप बना लोगे अगर आप ये सीटें जो है वो फोल्ड कर देते हो तो। वही 5 सीटर का भी बूट स्पेस मैं एक बार आपको चल के दिखा दूंगा, इसमें क्लिप वगैरह जो है वो डाल दूंगा। 2 आपको USB के पोर्ट मिलते हैं। इन सीटों को आप रिमूव करके रख भी सकते हो, और सिट्रोन कहता है कि 60 सेकंड में आप इन सीटों को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे 2 आपको स्ट्रिप्स ही दिए, उनको आप ऐसे खींचोगे तो ये अनलॉक हो जाएगी सीटें आपकी, और आराम से जो है वो निकल जाएगी। दोनों सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आपके पास 3 पॉइंटर जो है वो सीट बेल्ट है। सामने भी आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 60-40 में सामने वाली सीटें आपकी स्प्लिट हो जाती है, तो आप काफ़ी मोड्स में जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो। जिस टाइप का आपके पास सामान है उस टाइप से आप गाड़ी की सीट को एडजस्ट करके अच्छा स्पेस मैनेजमेंट यहाँ पर कर सकते हो। पीछे वाली सीटों पर स्पेस मैं आपको दिखाऊँगा बाद में,
एक बार हम बात कर लेते हैं फीचर्स वगैरह की। तो वाइपर, डिफोगर, वॉशर, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफर की जाती है। शार्क फिन एंटीना भी ऑफर किया गया है। अब बात आती है रियर सीट्स की। तो रियर डोर पे आपको ये जो है ये लेदर मिलता है, बाकी पूरा हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे दिया गया है। आपको विंडो अप डाउन करने के बटन्स जो है वो सेंटर में दिए गए हैं। स्पेस एक बोतल रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक ठाक स्पेस है। चार स्पीकर, दो ट्विटर का ऑप्शन आपको टॉप मॉडल में मिलता है। इससे नीचे वाला लोगे तो चार स्पीकर आपको सिर्फ मिलेंगे। तो साउंड क्वालिटी भी देखते हैं। सीटें देखिए इसकी, नीचे जो है वो आपको लेदर मिलता है, यहाँ पे लेदर मिलता है, लेकिन ऊपर आपको फैब्रिक जो है वो दिया गया है। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, लेकिन छोटा सा हेडरेस्ट बनाया गया है। तीसरे पैसेंजर को भी जो है हल्का फुल्का आप सर टच कर सकते हो। अब ये 7 सीटर वेरिएंट है, तो इसमें आर्मरेस्ट विद कप होल्डर वाला नहीं आता। 5 सीटर लेते हैं तो उसमें आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आ जाता है, एक फ़ोन होल्डर भी आता है। एक सीट बेल्ट अपनी लैब आती है थर्ड पैसेंजर के लिए, ठीक है। ये है यहाँ पे अपने को दिखाऊं मैं तो 2 USB के पोर्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो 2 यहाँ पे हो गए, 2 आपके पीछे हो गए। इनकी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है सिट्रोन ने। अब स्पेस देखो भाई, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ पे बनाया है सिट्रोन ने अपनी इस गाड़ी में। इसी वजह से गाड़ी लंबी भी काफ़ी लग रही है। नी रूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, थाई सपोर्ट एकदम बढ़िया है। 4 बंदे तो मतलब आराम से यहाँ पे बैठ के जा सकते हैं। आप देखोगे ना तो इसके मुकाबले यहाँ पे थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है। कुशन क्वालिटी भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे फील हो रही है। तो ये है रिक्लाइन एंगल, आप सेट वगैरह नहीं कर सकते, मतलब जैसी आपकी सीटें हैं ऐसे ही रहेगी। कोई आगे पीछे भी जो है वो आप इसको नहीं कर सकते, फिक्स्ड है ये। देन अपने पास ऊपर हेलोजन बेस्ड कैबिन लैंप आता है, आपके रियर एसी वेंट्स के जो है वो यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो एयर फ्लो भी जो है वो गाड़ी में काफ़ी बढ़िया किया गया, यहाँ से इंटेक्ट करेगा और यहाँ से जो है आपका फ्लो पीछे की तरफ स्प्रेड करेगा। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थर्ड रो में भी अगर कोई बैठा है। तो चलिए थर्ड रो में और चल लेते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं कितना स्पेस मिलता है अपने को। थर्ड रो में जाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ये पुल करना है और आपकी सीट पूरी की पूरी टंबल अप हो जाएगी। काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ पे मिल जाता है अंदर जाने के लिए। और ये रही भाई इसकी सीटें। अब वो सीट मैंने आपको बताया था हिलती नहीं है, तो उस हिसाब से भाई घुटने तो टच नहीं हो रहे मेरे। मेरी हाइट 5'6" है, मेरे घुटने टच नहीं हो रहे, लेकिन नीचे पैर भी नहीं जा रहे और थाई सपोर्ट तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली ये जो सीटें हैं ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है, और भाई बढ़िया होगा अगर इन पे बच्चे बैठे, क्योंकि एक अडल्ट यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, उतना स्पेस नहीं बनाया है। ये सीटें रिमूव करके घर रख दो, कभी ज़रूरत पड़े तो भाई अपने बच्चों को बिठा लो, वरना तो आराम से बूट की तरह यूज़ करो। ये बढ़िया दिया है भाई, ठीक है चलो। तो अब बात आती है गाड़ी के मेन फीचर्स की, कि क्या फीचर्स ऑफर करता है, क्योंकि सेगमेंट में भाई आपको ऐसे कमाल कमाल के फीचर मिलते हैं, लेकिन सिट्रोन आपको क्या ऑफर करता है उसके बारे में बात करते हैं। डोर हैंडल्स कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे आप अपनी की लगा सकते हो। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आता, क्योंकि कोई भी पुश टच स्टॉप के ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। सामने वाली पावर विंडोज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, एंड आपके स्पीकर हैं, ट्विटर जो है वो आपके पिलर पर लगाए गए हैं। ये सीट अपनी हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड स्टेयरिंग जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक तो नहीं होगा। तो जी ये रहा इंटीरियर, एक बार ऑन ही कर लेता हूँ, ऑन करने के बाद थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा कि क्या कुछ है। ये हो गई है जी गाड़ी ऑन, यहाँ पे सिट्रोन लिखाया, वहाँ पे सिट्रोन लिखाया, कुछ वार्निंग्स जो है वो यहाँ पे आई। स्टेयरिंग आप देखिए, स्टेयरिंग पे लेदर का यूज किया गया है, नाइस। मुझे लगा था स्टेयरिंग भी छोड़ दिया होगा, लेकिन बढ़िया है, हल्का सा डीकट स्टेयरिंग वाली फील भी देता है। लेफ्ट साइड में आपकी MID को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, मेन्यू का एक बटन है जिससे आप सारी चीज़ें देख पाएंगे, इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपके मीडिया से रिलेटेड सारे बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, फ़ोन कनेक्शन के, वॉल्यूम वगैरह के हैं। स्टेयरिंग मैंने आपको बता दिया, सिर्फ टिल्ट एडजस्ट होता है। लेफ्ट साइड में वाइपर्स है, राइट साइड में हेडलैम्प है, कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर नहीं है। यहाँ पे भी आपको कुछ कंट्रोल्स दिखाऊं तो ORVM के रिलेटेड जो है वो कंट्रोल्स है। ORVM अपने फोल्ड तो नहीं होते, एंड एडजस्ट जो है वो आप इसको कर सकते हो, ठीक है, फोल्ड नहीं होते। यहाँ पे पावर विंडोज़ को लॉक करने का है, ये ऑटो ऑन ऑफ का है। और नीचे मैकेनिकल मिलता है हेडलैम्प लेवलर, वहाँ पे आप देख पा रहे हो हुड ओपन कर सकते हो, एंड यहाँ से आप अपना फ्यूल टैंक जो है वो एक्सेस कर सकते हो। बूट के लिए वही पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो स्विच दिया है, तो वहीं से ही आपको खोलना पड़ेगा। अब बात आती है इसकी MID की। तो जी ये ठीक किया, मुझे लगा था कि C3 वाली ही MID उठा के दे देंगे, वो बढ़िया नहीं लगती, लेकिन ये काफ़ी डिसेंट सी फील हो रही है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो ऊपर डिजिटल स्पीड, इस तरफ आपको फ्यूल का, उस तरफ इंजन से इंजन की हीटिंग वगैरह की चीज़ें जो है वो देख पा रहे हो।
इसको आप चेंज भी कर सकते हो अलग अलग मोड्स में। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि क्या कुछ है। तो RPM भी आ जाएगा आपका एंड कुछ इतने जो है वो चीज़ें आप देख सकते हो। हाँ, टायर प्रेशर जो है वो भी आपको मिलता है इस गाड़ी में। आप अगर मेन्यू का बटन दबाते हो तो यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स जो है वो भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब ना कोई ज़्यादा वो है, बहुत ही बढ़िया है सेगमेंट के हिसाब से, पर ठीक है, काम आराम से आपका चला देगी। अब सेंट्रल कंसोल पे आते हैं तो यहाँ पे मिलता है 10.25 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। ये ठीक है, इसकी रिस्पॉन्स टाइम जो है वो भी ठीक है, क्वालिटी ठीक है इसकी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। बढ़िया ग्लोसी ब्लैक कलर के पैनल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो थोड़ी सी फील भी दे देता है प्रीमियम वाली। हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है। ठीक है, गाड़ी में आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। डोर पे सही दे दिया यार, ये लेदर सा ना, ये सही मिल जाता है। नीचे एसी के बटन्स आपको मिलते हैं, मैनुअल एसी आता है टॉप एंड में भी। यहाँ पे हजार्ड बटन, यूएसबी, 12 वोल्ट, यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, नीचे भी आप सामान रख सकते हो, काफ़ी डीप है देख रहे हो, और कप होल्डर्स है। अब ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। 6 स्पीड का ये मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है, कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं दिया सिट्रोन ने, ना ही इन्होंने अपनी C3 में दिया था, ना ही C3 एयर क्रॉस में। ठीक है, लेदर की यहाँ पे रैपिंग है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डीप स्पेस मिलता है, हैंड ब्रेक है, और ये रहे आपके पीछे वाली पावर विंडोज़ के कंट्रोल, साथ ही कप होल्डर्स जो है वो भी अपने को मिलता है। अब जो ड्राइवर है उसके लिए आर्मरेस्ट है, पैसेंजर के लिए आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर नहीं किया गया। यहाँ पे भी स्पेस है, फ़ोन तो नहीं आएगा लेकिन आप थोड़े बहुत टाइम के लिए अटका सकते हो। ये है ग्लोब बॉक्स, जी ग्लोब बॉक्स काफ़ी बढ़िया है, टाटा की याद जो है वो दिला दी, काफ़ी डीप है ग्लोब बॉक्स। कोई भी कूलिंग वगैरह का फीचर तो यहाँ पे भी ऑफर नहीं किया गया। सेफ्टी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 2 एयरबैग अपने को मिलते हैं। ठीक है, आपको ABS EBD मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, और अपने को हिल असिस्ट कंट्रोल, ये कुछ सेफ्टी फीचर्स अपने को ऑफर किए जाते हैं। सेगमेंट में अगर दूसरी गाड़ियां देखें तो भाई 6-6 एयरबैग भी प्रोवाइड कर रही है, तो मेरे हिसाब से एक एयरबैग की जो है वो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर दी यहाँ पे, वो नहीं करनी चाहिए थी। अब ये जो है आपका IRVM, ये मैनुअल मिलता है, ये है अपना ये हेलोजन मिलता है, यहाँ पे अपने को वैनिटी मिरर मिलता है, एंड इधर अपने को कुछ भी नहीं मिलता। काफ़ी छोटे भी हैं ये, एक बार देखते हैं तो कुछ इतना स्पेस जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, गाड़ी प्राइसिंग का जो है वो मेन है भाई। ये तो मैं टॉप मॉडल दिखा रहा हूँ, इसका प्राइस पता नहीं कितना आएगा, लेकिन बेस वेरिएंट जो दिया है उसका प्राइस ठीक है, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में आपको कोई भी कॉम्पैक्ट SUV नहीं मिलती, यानी कि इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी आपको 10 लाख रुपए में नहीं मिलेगी, तो वो है भाई। तो चलिए अब बात आती है इंजन की और कंक्लूजन की, कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इंजन की बात कर रहे थे हम, इंजन आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल। अगर अपन देखें सेगमेंट के हिसाब से तो सेगमेंट जी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन भी देता है, और सारे बड़े इंजन जो है वो ऑफर किए जाते हैं, लेकिन इसी वजह से इसका प्राइस कम आता है। पावर की बात करें इस इंजन की तो 110 BHP जनरेट करता है और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ठीक है, देखिए हमने तो गाड़ी नहीं चलाई है, लेकिन जितने भी मीडिया पर्सन्स ने चलाई है उनका कहना है कि गाड़ी अपने वेट के हिसाब से और अपने गेयरबॉक्स वगैरह के कॉम्बिनेशन के हिसाब से काफ़ी एक अच्छा ड्राइव एक्सपीरियंस आपको दे देगी। ऐसा भी नहीं है कि भाई काफ़ी ज़्यादा झूंझा टाइप की गाड़ी है, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में आराम से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, एवरेज अब आती है मेन चीज़, एवरेज जब 1.2 टर्बो है तो नॉर्मल सी बात है आपको दूसरे टर्बो इंजन से ज़्यादा बढ़िया एवरेज देगा। तो कंपनी क्लेम करती है यहाँ पे 18.90 के आसपास जो है वो क्लेम करती है, आराम से आप इस गाड़ी से 15 तक की एवरेज निकाल पाओगे। तो जी ये था हमारा रिव्यू इस सिट्रोन C3 एयर क्रॉस के बारे में। मेरे हिसाब से इसका प्राइस अगर आ जाए अपना 12-13 लाख के आसपास तो एक अच्छा एक ऑप्शन जो है वो अपने लिए हो जाएगा। गाड़ी की ओवरऑल लुक्स जो है वो बढ़िया है, गाड़ी में स्पेस अपने को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। अगर आप गुड़गांव में कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप ला मेंशन सिट्रोन आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको दे दी है, आप यहाँ पे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं और अपनी पूरी इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और भी गाड़ियों की वीडियो अपने चैनल पर बढ़िया बढ़िया आती रहती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।